यहाँ पर आपको जो कराते हैं, चाहे योग कराते हैं, चाहे यज्ञ कराते हैं, आयुर्वेद की औषध देते हैं, कोई थेरापी कराते हैं, सबके पीछे एक वैज्ञानिक अनुसंधान की पृष्ठभूमि है, साइंटिफिक वैलिडेशन उनका, उसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च है। और उसको कहने के लिए हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी एक बार फिर उपस्थित हैं, इनका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। कैसे कैसे एक एक औषध काम करती है। मेडिकल साइंस में कुछ भ्रांतियाँ, बड़ी भ्रांतियाँ कि एक बार अर्थराइटिस हो जाए तो ठीक ही नहीं होती, एक बार अस्थमा हो जाए, एक बार किसी को अल्सर हो जाए, हाइएटस हर्निया हो जाए, किसी को हर्निया हो जाए ठीक ही नहीं होता, एक बार किसी को बीपी शुगर थायराइड हो जाए, ये कौन सा साइंस है? ये तो विज्ञान के नाम पर अज्ञान हो गया भाई। जैसे हमने अर्थराइटिस पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से ऑर्थोकेयर आदि से ठीक किया है, पीडानिल पेय पिलाते हैं आपको, उपवास कराते हैं, एटीएम की सब्जी आदि खिलाते हैं, उसका प्रक्रिया उसकी। जैसे श्वासारी ब्रोनकॉम से हमने अस्थमा को पूरा क्योर किया है, ऐसे ही लिवोग्रिड और एसिडोग्रिड से एसिडिटी को पूरा क्योर किया, वात पित्त कफ दोषों का। ऐसे ही अर्थराइटिस के तरह कोलाइटिस भी है, इसमें कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रगादिवटी, बिलवादि, चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, शंख प्रतक, मुक्ता शुक्ति, ये तो हम पिछले 30-35 सालों से प्रयोग कर रहे थे। अब इसकी एक नई औषधि बनाई कोलोग्रिड, बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं कहता हूँ, पहले मैं 99% कहता था, अब मैं कहता हूँ 100% आपका कोलाइटिस अच्छा होता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा अनुसंधान है। तो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी उसको बताएंगे। पाचन तंत्र के लिए लिवोग्रिड और आंतों के आरोग्य के लिए विशेष करके लिए ये कोलोग्रिड कैसे काम करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं। ओम जी स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो आज स्वामी जी हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, जो एक बड़ी बीमारी है पेट की, जिसे कोलाइटिस कहते हैं। और कोलाइटिस मतलब कि आंतों की सूजन, और ये कई तरीके की होती है और कई तरीके से इसके कारण भी हैं, और इसके जो आयुर्वेद के निवारण हैं, आज आचार्य जी, आज स्वामी जी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में कि ये बीमारी कैसी है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे बड़ी आंत में सूजन और जलन होती है, और ये बार बार होती है, ये रिएकरेंट है। एक बार थोड़ी ठीक हो जाए फिर दोबारा होनी शुरू हो जाती है। और इसके प्राइमरी लक्षण स्वामी जी दस्त है, पेट में दर्द है, मल में खून है, और ये कॉन्स्टेंटली जैसे पिन चुभती है पेट में, ऐसी वाली फीलिंग इसकी वजह से आती रहती है। दुनिया भर में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, यूरोप में और यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, तो स्वामी जी काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 100,000 में अगर हम देखें तो लगभग 77 लोग वहाँ पर इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारतवर्ष में भी ये रिपोर्टेड है, पर एज यूजुअल हमारे यहाँ डिजीज़ रिपोर्टिंग थोड़ी सी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिनको भी ये बार बार दस्त लगता है ना, खाया पिया जल्दी निकल जाता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे झाग झाग सा आता है, उसमें पस जैसा आता है, पेट में मरोड़े जैसे होते हैं, ये करोड़ों लोगों को समस्या हो गई। और जितना ये उत्तेजक आहार है, जितना जंक फूड, फास्ट फूड और जितना एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, या दारू आदि नहीं पीते, मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, आजकल मसालों का बहुत बाज़ार गर्म है, और गर्म मसाले, मिर्ची मसाले, कुछ लोग तो इतनी मिर्ची खाते हैं, मतलब दही छाछ में भी मिर्ची डाल करके, ये राजस्थानी और गुजराती तो लाल मिर्च डालते दही में फिर खाएंगे, मज़ा आता है, फिर वो अंदर जा करके घाव कर देता है, उसको कोलाइटिस कर देता है। और इसका आयुर्वेद के सिवा कहीं इलाज नहीं है। कोलाइटिस के ही भगिनी बंधु हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आँव संग्रहणी, बहुत पेट में मरोड़े, बहुत ख़राब चीज़ है, और इससे पूरा शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है जी। तो स्वामी जी, हमारे देश में भी जो रिपोर्टेड है, लगभग 100,000 में 6 लोगों को क्लिनिकल कोलाइटिस होती है, और सब क्लिनिकल तो स्वामी जी काफ़ी सारे लोगों को हैं जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती। और खान पान का और जीवन शैली का इस पर स्वामी जी बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है।
पर यह है स्वामी जी, अगर हम देखें कि ये कोलाइटिस कितने टाइप की है, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे आंतों का एक स्ट्रक्चर है और डिपेंड करता है कि किस हिस्से पे ये बीमारी है, किस हिस्से में सूजन है, उस हिसाब से क्लिनिकली इस बीमारी को कहा जाता है। तो खाली नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पे मल जमा होता है तो उसको बोलते हैं प्रोक्टाइटिस, थोड़ा ऊपर है तो डिस्टल हो जाती है, लगभग आधे से ज़्यादा है तो एक्सटेंसिव कोलाइटिस, और अगर पूरी बड़ी आंतिक इससे परेशान है तो पैन कोलाइटिस कहते हैं स्वामी जी इसको। तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, वो एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, अलग अलग तरीके से नाप के इनको ऐसे डिफाइन किया जाता है और उसके आधार पर इनका स्वामी जी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे आपने कहा मल में खून आने लगता है, डायरिया रहता है, दर्द रहता है, और हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि रेस्ट रूम जाना है पर जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, वो वाली फीलिंग भी रहती है बरकरार, वजन कम होने लगता है, थकान रहती है और बीच बीच में बहुत तेज़ी से बुखार भी आता है और जो चला जाता है क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेशन रहता है, और चूंकि दस्त होती है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, आँखों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द शुरू होता है स्वामी जी, इसकी वजह से लिवर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और ऐसी वाली हालत हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये सब उसके एक तरीके से कलेक्टिव सिम्टम्स हैं। और जो सिंथेटिक वर्ड में एलोपैथिक सिस्टम है, जिसकी दवाइयाँ हैं, वो बेसिकली चार स्टेज पर चलती हैं, डिपेंड करता है कि किस स्टेज की बीमारी है। फर्स्ट लाइन में हम स्वामी जी वहाँ देते हैं एमिनो सेलिसलेट, जो बहुत कॉमन दवाई है, सल्फा सेलाजीन, उससे शुरुआत करते हैं, वो भी ढंग से काम नहीं करती है, फिर उसके बाद स्टेरॉइड पर जाते हैं, फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर पर जाते हैं, और जब इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी काम करना बंद करते हैं स्वामी जी, उसके बाद सर्जरी कर देते हैं, आंत के उस हिस्से को काट के अलग कर देते हैं जिसमें ये सूजन का हिस्सा होता है, पर बीमारी फिर दोबारा कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल तरीके नहीं हैं स्वामी जी। तो उसके लिए और जो ये दवाइयां हैं, फिर उनके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जो बहुत सारी दवाइयां अल्सर कोलाइटिस में दी जाती हैं उनके स्वामी जी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से सिर में दर्द रहता है, नौजिया रहता है, कुछ कुछ केसेस में तो स्वामी जी बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है, जो नई खून की सेल्स बननी होती हैं स्वामी जी, उनका बनना भी बंद हो जाता है, और कभी कभी हिपेटोटॉक्सिटी आ जाती है, एनाफ्लेक्सिस आ जाता है, डायरिया आ जाता है, और जो बायोलॉजिकल्स हैं स्वामी जी उनके तो टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में दिए जाते हैं पर उनके रिस्पॉन्स टॉक्सिकोलॉजी वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं और इन्फेक्शन होने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें स्वामी जी फिर हमारे पास क्या है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि आयुर्वेद में इसका एक सफल इलाज है और एक जो नया फॉर्मूलेशन जो डिफाइन किया है स्वामी जी वो है कोलोग्रिड। अब कोलोग्रिड में स्वामी जी हमने कुछ चीज़ें दूसरे चिकित्सा पद्धति से भी सीखी हैं। तो जितनी हमारी दवाइयाँ होती हैं वो सबसे पहले स्वामी जी हमारे स्टमक में जाती हैं, वहाँ जाके वो टूटती हैं, फिर बड़ी आंत में जाती हैं, फिर वहाँ उनका एब्जॉर्प्शन होता है, शरीर के अलग अलग हिस्से में दवाई पहुँचती है, ये एक नॉर्मल तरीका है। पर अगर जब दिक्कत ही बड़ी आंत की है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि दवाई सीधी जाके बड़ी आंत में ही खुले, स्टमक में, पेट में ना खुले। तो उसके लिए स्वामी जी एक जो कॉमन तरीका फार्माकोलॉजिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम एंट्रिक कोटिंग कहते हैं। तो एंट्रिंग कोटिंग समझे स्वामी जी, एक तरीके से दवा के ऊपर एक ऐसा गिलाफ, एक ऐसा कवर चढ़ा देते हैं जो स्टमक में जाके उसको कवर करके रखता है, सेव करके रखता है, और जैसे ही वो आंतों में पहुंचती है दवा तो वहाँ जाके वो घुल जाती है। तो ऐसा करके हम जो औषधि है वो डायरेक्टली स्वामी जी वहीं ड्रॉप करते हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और स्वामी जी आयुर्वेद के क्षेत्र में ये एक पहली दवा है जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने जनरेट की है जिसमें हमने एंट्रिंग कोटिंग का इस्तेमाल किया है। तो स्वामी जी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, उसको आयुर्वेद के साथ कैसे इंटीग्रेट करें स्वामी जी, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे हम अलग 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 तरीकों से, अलग अलग दवाइयों के बनाने के तरीके से हम आयुर्वेद को और एनरिच कर सकते हैं और मॉडर्न तरीके को बना के उसको पेशेंट बेनिफिट के लिए आगे लेके जा सकते हैं। तो समझिए ये औषधि जब ये बनाई गई तो इसमें हमने स्वामी जी अपने एंशियंट विजडम ऑफ आयुर्वेदा को कम्बाइन किया है मॉडर्न साइंस ऑफ ड्रग रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये स्वामी जी कोलोग्रिड है, इसके अंदर कुल मिला के बेल, कुटज, जीरा, अजवाइन, सौंफ, गुलाब और कपूर है। और ये जो औषधि है जो आप कह रहे हैं बहुत दिनों से भी कि बेल और कुटज से तो बहुत ज़्यादा पेट को फ़ायदा होता है, आप इसका एनीमा भी बता रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर अब ये स्वामी जी समझें कि हम ये एनीमा ही दे दिए हैं पर ये मुँह से गया है, क्योंकि दवा सीधी वहीं जा कर पहुँच रही है जहाँ हम एनीमा के थ्रू पहुँचा रहे होते हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट कंप्लाइंस अच्छा है और उसे घर बैठे भी लोग आराम से ले सकते हैं।
तो इसके स्वामी जी हम एज यूजुअल बहुत डिटेल केमिस्ट्री एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मार्कर हैं, ताकि हम उसको अलग तरीके से फॉलोअप कर पाएँ, मेजर कर पाएँ, बैच टू बैच वेरियंस ना पाएँ। स्वामी जी इसके अंदर हमें 8 बड़े बड़े कंपाउंड मिले जो हर बार हर जगह मिले। और फिर उसके बाद स्वामी जी ये थोड़ा सा स्कीमेटिक है, थोड़ा सा हम कार्टून के तौर पर दिखा रहे हैं कि जो अलग अलग हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा है उसकी जगह अलग अलग पीएच होती है। पीएच मतलब कि एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी है, उसके बीच का जो अनुपात है वो कितना है। तो मुंह में हमारे स्वामी जी पीएच 7 रहता है, स्टमक में पीएच 2 हो जाता है और बड़ी आँत में 7 से 7.5 के बीच में रहता है। तो इसमें पूरी कहानी इतनी है कि क्या हम कुछ ऐसा एंट्री कोटी डिवाइस करें जो पीएच 2 पे पीएच 2 पे घुली ना पाए, और अगर नहीं घुल पाएगा तो फिर हम उसे पीएच 7 पे आराम से खोल लेंगे। तो जो आप स्क्रीन पर दोबारा देख रहे हैं, जो ब्लू पार्ट है वो कोलोग्रिड टैबलेट है, और जो आप पीच कलर का देख रहे हैं वो उसके ऊपर एंट्री कोटिंग है, और ताकि वो जाके पीएच 7 पे ही घुले। अब ये स्वामी जी कुछ हमने वेट लैब एक्सपेरिमेंट किए और वहाँ ये कुछ सिमुलेशन किए, और जो हमारे मुंह का लिक्विड है, इसको जो थूक है, सलाइवा है, उसको लैब में जनरेट किया। जो पेट का हमारा लिक्विड है उसको लैब में जनरेट किया, और जो आंतों का लिक्विड है उसको भी पेट लैब में जनरेट किया। तो उनको हम स्वामी जी कहते हैं सिमुलेटेड फ्लूइड, हमने उनको सिमुलेट किया लैब में, और उसके अंदर ये गोलियां रखी और ये देखा कि कितने टाइम में ये गोलियां घुलनी शुरू होती हैं। और उसको स्वामी जी फिर हमने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के साथ टैग किया कि जो दवा है, जो खाना है, हमारे मुंह में कितनी देर रहता है, पेट में कितनी देर रहता है, और आंतों में कितनी देर रहता है। तो मुंह में स्वामी जी 15 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं रहती है, 15 सेकंड में हम अंदर गटक जाते हैं, और उसके बाद पेट में लगभग 2 घंटे तक रहता है, और आंतों में 2 से 2.5 घंटे तक हमारा खाना रहता है। तो स्वामी जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको छोटे छोटे बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पेट्री प्लेट में सिमुलेटेड सलाइवा है जो हमने लैब में जनरेट किया हुआ थूक है, उसमें जब हम ये रख रहे हैं तो 15 सेकंड में स्वामी जी देखिए अब गोली बैसी की बैसी है, वो बिल्कुल नहीं घुली है। और जो उसके अब उसके ठीक बगल वाला है उसमें ये स्वामी जी सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड है, जो हमारे पेट के अंदर का लिक्विड है, उसमें 2 घंटे दर के स्वामी जी, और 2 घंटे के अंदर स्वामी जी ये गोली ऐसे की ऐसी है, बिल्कुल नहीं घुली है। और जैसे ही इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सिमुलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड में, तो स्वामी जी अब देखिए विद इन 45 मिनट्स वो गोली पूरी घुल जाती है, और वो लिक्विड जो है पूरा पूरा दवाई के कलर से भर जाता है। तो ये क्लियरली बताता है कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो यहाँ काम करती दिख रही है। और फिर स्वामी जी हमने इस लिक्विड को लेके अलग अलग मेजरमेंट किए, और देखिए इसमें कितने कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, और उनका टाइम डिपेंडेंस कितना है, क्योंकि स्वामी जी इसमें पूरी कहानी काइनेटिक्स की है कि औषधि कैसे पेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रही है, और कितने टाइम तक वो गोली घुलने का प्रयास कर रही है। तो ये बड़ा अच्छा दिखा, और हम ये देख पाए कि कोलोग्रिड जो एंट्री कोटेड गोली थी वो वास्तव में गैस्ट्रिक जूस के प्रति रेजिस्टेंट थी, वहाँ नहीं घुल पाई, पर जो आँतों वाले जूस थे वहाँ जाके आराम से घुल गई। तो इस तरीके से हम दवाई की वहाँ डिलीवरी कर सकते हैं। अब जब स्वामी जी ऐसा कर सकते हैं तो फिर इसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, तो इसके लिए स्वामी जी हमने बहुत सारी सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए, हम जिसे इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, सेल लाइन ट्रायल करते हैं। तो उसमें स्वामी जी हमने 2 चीज़ देखने का प्रयास किया कि एक तो ये क्या ये औषधि और इसके घटक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर वो सूजन किसी और कारण से आंतों की सेल को हो रही हो तो क्या हम उसको फॉलोअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा स्वामी जी जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो हमारे खून के अंदर घूमते हैं, जिनको मैक्रोफेसिस कहते हैं स्वामी जी, जो हमारे डिफेंस की फर्स्ट लाइन है, जब भी कुछ अटैक हमारे शरीर पर होता है तो सबसे पहले यही रक्षक कोशिकाएं जाके उन अटैक को काबू करती हैं। तो जो हम उनको देखें स्वामी जी, और देखें कि अलग अलग टाइप के इन्फेक्टिव कंट्रोल्स, जैसे कि LPS है जो एक बैक्टीरिया से निकलता है, और वायरस के भी कुछ पार्टिकल ऐसा काम करते हैं, जब हमने वो LPS जब इन सेल्स को दिया जो THP सेल्स हैं, तो उनमें स्वामी जी अलग अलग टाइप के साइटोकाइन निकले, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं स्वामी जी, IL-6 और TNF-alpha, और वो जब साइटोकाइन के लेवल बढ़ गए थे तो बढ़े हुए साइटोकाइन लेवल को स्वामी जी कोलोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल किया स्वामी जी। और ये हमारा एक पहला फाइंडिंग था जहाँ हम कोलोग्रिड के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देख पाए, हम ये देख पाए कि कोलोग्रिड अब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है। और अगर ये कर सकता है तो फिर हम इसको आगे देखें कि क्या ये
इंटेस्टाइन के सेल में काम कर सकता है। तो स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे आंतों की अंदर की संरचना है, कुछ उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम माइक्रोबिलाई कहते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। तो वो जो उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर की जो सेल्स हैं, हम स्वामी जी उन पर काम करना शुरू किए, उनको हम कैको टू सेल्स कहते हैं। और कैको टू सेल्स के ऊपर जब हमने बैक्टीरिया के अलग अलग कंपोनेंट को डाला और देखा कि क्या कोलोग्रेट उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो डेटा स्वामी जी स्क्रीन पर ये रहा। और इसके साथ स्वामी जी हमने दो चार और अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट भी किए। जब हमारे शरीर में और हमारे आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है स्वामी जी, तो हमारे शरीर की कुछ सेल्स जाके उन आंतों की सेल्स पर जाके चिपकती हैं, ताकि वहाँ जो इन्फेक्शन है उसको काबू कर पाएँ। तो वो जो सेल्स हैं वो हमारे ब्लड से निकलती हैं, उनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, वो एक तरीके के WBC होते हैं, और वो जाके आंतों की सेल पर चिपकती हैं कि अगर वहाँ कुछ इन्फेक्शन है तो उन पर काबू कर पाएँ। तो हमने स्वामी जी कुछ अलग बहुत फैंसी एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ हमने ह्यूमन मोनोसाइट्स को अलग अलग तरीके से लेबल किया, उनको अलग रंग दे दिया, और फिर उसको ये देखा कि अगर TNF-alpha जो एक अलग टाइप का स्टिमुलेटर है, साइटोकाइन है, वो दिया जाए तो क्या वो आंतों की सेल से चिपक पा रहे हैं। तो हमने स्वामी जी को कल्चर एक्सपेरिमेंट किया और जो ह्यूमन कंडीशन है उसको मिनिएचराइज करने का प्रयास किया, उसको सूक्ष्म रूप से करने का प्रयास किया, और देखा कि क्या जो हम पेट के अंदर होता देख रहे हैं क्या हम वो अपने लेबोरेटरी में सेल कल्चर प्लेट में कर सकते हैं। तो ये एक थोड़े लंबे एक्सपेरिमेंट थे स्वामी जी, पर हम इसमें सफलता बहुत अच्छी मिली कि हमारे जो लेबल्ड मोनोसाइट थे और जब वो आंतों की सेल के साथ चिपक रहे थे तो उनके अलग अलग साइटोकाइन रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए थे। वो ये बता रहे थे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सूजन की समस्या है, जो अलग अलग डिफेंस सेल्स की वजह से भी हो रहे हैं और TNF-alpha नाम के साइटोकाइन की वजह से हो रहे हैं, वो हम उसको आराम से मेजर कर पा रहे थे। और जब हम उनको मेजर कर पा रहे थे, नाप पा रहे थे, तो फिर हमारे पास एक रास्ता था कि हम कोलोग्रिड का वहाँ पे एफिकेसी चेक कर पाए थे। तो स्वामी जी अब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि जब TNF-alpha और मोनोसाइट जब ह्यूमन कोलोरेक्टल सेल्स को दिए गए तो स्वामी जी उसके वजह से IL-1 beta जो दूसरा साइटोकाइन है उसका लेवल बहुत बढ़ गया था, और जब वो बढ़ गया था तो स्वामी जी उसको कोलोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया है। और स्वामी जी हर्बल वर्ल्ड में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ये एक ऐसी पहली फाइंडिंग है जहाँ हम ये दिखा पाए कि इतने कॉम्प्लेक्स सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में ये औषधियाँ काम करती हैं। और उसके साथ साथ स्वामी जी दूसरा साइटोकाइन है IL-8, उसको भी नापा और IL-8 का लेबल भी कोलोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और साथ साथ इस बार एक दूसरे नए मार्कर को लेकर आए जिसको स्वामी जी बोलते हैं कीमोटैक्सिस मार्कर। अब कीमोटैक्सिस स्वामी जी क्या होता है कि जब किसी एक सेल के पास स्ट्रेस होता है तो वो दूसरे सेल के पास एक सिग्नल भेजता है कि भाई मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो वो जो हेल्प का जो सिग्नल दूसरे सेल के पास पहुँचता है उसके लिए वो एक तरीके से चलने का काम करता है। तो सेल दूसरी सेल की मदद करने के लिए चल देती है, जैसे स्वामी जी हमारी सेनाएं चल देती है जैसी होती है ज़रूरत, पर जिस पाथ पे उस सेल को जाना है उसके लिए अलग टाइप के मार्कर होते हैं स्वामी जी। तो वो जो मार्कर हैं उनको हम कीमोटैक्सिस मार्कर कहते हैं। और एक बड़ा मार्कर है CXCL5 जिसकी वजह से सेल एक जगह से दूसरी तरह तक सही तरीके से पहुँच जाती है। ये हमारे शरीर के अंदर का स्वामी जी एक तरीके से गूगल मैप है, ये पता लग जाता है सेल को कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्योंकि इतनी सारी नस नाड़ियाँ हैं, इतना ज़्यादा हाई ट्रैफिक चल रहा होता है, पर उसको सही जगह पहुँचना होता है। तो उसकी जो ट्रैकिंग है, जो आजकल हम कार में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो इनबिल्ट है, और वो जो अलग अलग पाथवेज हैं वो सब अलग अलग कीमोटैक्सिस से काम करते हैं स्वामी जी। तो वो जो कीमोटैक्सिस है वो पाथवे भी एक तरीके से मॉड्यूलेट कर लेता है कोलोग्रिड का इस्तेमाल स्वामी जी। तो ये एक स्वामी जी की बड़ी वाली फाइंडिंग थी जब हम ये दिखा पाए कि कोलोग्रिड इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सेल्स के माइग्रेशन को कंट्रोल करता है, और जो सूजन के बेसिक कारण हैं उन सबको भी स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट स्वामी जी फिर हमने ऐसा किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे इंसल्ट दें सेल के लिए, कुछ ऐसा देने का प्रयास करें जिससे सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है, जो एक्सट्रीम केस है स्वामी जी। फिर एक टॉक्सिन है जिसको बोलते हैं डेक्सट्रन डाइसोडियम सल्फेट DSS, जो एक मॉडल केमिकल है जिसके इस्तेमाल से हमारे कोलन की सेल मरने लगती हैं। तो स्वामी जी हमने उसको दिया और देखा कि लगभग 20% के लगभग सेल्स ये कंपाउंड, ये केमिकल मारता है, और जब उसी केमिकल के साथ हमारा कोलोग्रिड प्रेजेंट होता है तो स्वामी जी वो सेल्स मरने से बच जाती हैं, वो सेल ऐसे के ऐसे जिंदा रहती हैं, और उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी स्वामी जी कम हो जाता है। सो टेकिंग टुगेदर हमें ये देख पाए कि
कोलोग्रिड का इस्तेमाल हमारे कोलन की सेल्स को हेल्दी रखता है, उसके ऊपर होने वाले किसी भी साइटोकाइन अटैक से बचाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और बैक्टीरियल इन्वेशन को भी नॉर्मलाइज करता है। तो स्वामी जी एक ऐसी पूरी तरीके से एक अच्छी वाली फाइंडिंग हो जाती है। और स्वामी जी ये हमारी फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में जिसका नाम फार्मास्यूटिकल्स है, जो MDPI का एक बड़ा जर्नल स्वामी जी, इसमें लास्ट ईयर पब्लिश हुआ, जहाँ हमने पहला बताया कि एंट्री कोटेड कोलोग्रिड के इस्तेमाल से हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को रोबस्टली कंट्रोल कर सकते हैं। और पूरा जो पाथवे था, हम उस पाथवे पर स्वामी जी काम करके गए। इसको स्वामी जी बहुत ज़्यादा सराहना मिली है हमारे पूरे फील्ड से, और हमारे पास बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं स्वामी जी इस पेपर को लेकर आते हैं कि कैसे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने एक एंट्री कोटेड मेडिसिन का निर्माण करने का प्रयास किया और कैसे वो पेशेंट कंप्लायंस की तरफ जा सकता है। तो स्वामी जी कोलाइटिस के लिए आज इतना ही। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन। मेडिकल फील्ड में कोलाइटिस के लिए फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, और जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और जेनेटिक BP, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस आदि है, इसमें अभी तक पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम और WHO के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो काम नहीं कर पाए, वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्ट ने करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। एलोपैथी में तो हर बीमारी के लिए कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी कुछ चीज़ हो जाए, पहले स्टीराइड फिर बायोलॉजिकल, लेकिन स्टीराइड और बायोलॉजिकल्स का जो जहर है ये कितना खतरनाक, अभी किसी से छिपा नहीं है। और इस पूरे जहर की जगह अमृत जो हमारा आयुर्वेद का है, आयुर्वेदो अमृता नाम का है, उसके ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान और शोध का कार्य हमारे सभी वैज्ञानिक सतत कर रहे हैं। तो एक बार सारे साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो डॉक्टर अनुराग जी तो आकर के उसको प्रेजेंट करते हैं, खुद भी रिसर्च करते हैं, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों का अहर्निश का पुरुषार्थ और हमारे पूज्य आचार्य श्री भाषण जी का निर्देशन सतत रहता है। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन।